दोस्तों स्वागत कीजिए फिर से एक नए स्कैम का, कैश वॉलेट के नाम से जो है लोन रीपेमेंट का व्हाट्सअप पर लोगों को कुछ इस तरीके का मैसेज जो है मिलने लगा है। बेसिकली इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है वो आप लोग क्लियरली यहां पर पढ़ सकते हैं। आपके पास अगर अभी तक ये मैसेज नहीं आया है तो बहुत जल्द जो है ये मैसेज आपके पास भी आ जाएगा। अब इस मैसेज की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो लोन चल रहा है कैश वॉलेट की तरफ से वो ओवरड्यू हो रहा है और आपको ही अभी कॉन्टैक्ट किया गया है, आपके फैमिली वगैरह को कॉन्टैक्ट अभी नहीं किया गया है और ये आपका आखिरी चांस है। अगर आप अभी भी जो है नहीं रीपे कर देते हो तो आपके फैमिली वगैरह को भी ये कांटेक्ट करेंगे, इसलिए आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागिए, इस तरीके का लिखा हुआ है। अदरवाइज जो है आपका लोन पर जो है पेनल्टी वगैरह भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो है आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को जो है कांटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि आपके ऊपर जो है आईपीसी वगैरह की कुछ धाराएं भी लगाई जा सकती हैं अगर आप लोन को रीपेमेंट नहीं करते हो तो ऐसे में मैं आप लोग को जो है इस वीडियो की मदद से यही कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कैश वॉलेट से जो है कोई टेक्स्ट में मैसेज आया हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आया हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपल से स्टेप है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आप लोगों को जो है नोटिस ये करना है कि क्या कैश वॉलेट लोन ऐप से आपने पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो है लोन लिया हुआ था। अगर ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर रहा होगा पहले कभी भी और आपने उसे लोन लिया हुआ है एंड आपको लोन का अमाउंट भी रिसीव हुआ है, आपने उसका लोन का रीपेमेंट उस समय नहीं किया था और अब आपके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको जो है लोन का रीपेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप ये डिसीजन में है कि लोन का आपको रीपेमेंट करना है तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप जब भी उसका लोन का रीपेमेंट करें तो प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर से बना लीजिएगा, तभी जो है रीपेमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा जो कभी भी इस ऐप के बारे में नहीं सुने हैं और ना ही कभी डाउनलोड किए हैं, कभी भी इस ऐप से लोन नहीं लिए हैं या फिर लोन का ट्राई किए थे बट उनको लोन का अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ, उन सभी कंडीशन में अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, चाहे आपने लोन नहीं लिया है, आप जानते नहीं है, कभी इंस्टॉल नहीं किया और ऐसा मैसेज टेक्स्ट में या व्हाट्सएप पर आया है तो आपको ये मैसेज को फेक मैसेज समझ करके डायरेक्टली ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर देना है। इसके अलावा आपको जो है उस मैसेज में दिए हुए लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। हो सकता है कि आप उस मैसेज में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे ये जानते हुए कि आप इस ऐप से लोन नहीं लिए हो, कभी डाउनलोड भी नहीं किए थे, लेकिन अभी जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी परमिशंस को ऑन करवा देगा, स्पेशली कॉन्टैक्ट्स का जो परमिशन होता है वो ऑन कर देगा और इसके बाद जो है उस ऐप वालों के हाथ में आ जाएगा आपके कॉन्टैक्ट का पूरा बैकअप। इसकी वजह से ये लोग जो है बाद में आपसे पैसे ले सकते हैं इस बलबूते पर कि आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, लोन का रीपेमेंट करो वरना आपकी कॉन्टैक्ट वालों को ये लोग जो है ग्रुप में ऐड करेंगे व्हाट्सएप पर और मैसेज करना चालू कर देंगे। तो इस सब चक्कर से बचने के लिए उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं कीजिएगा। आपको बस ये सोचना है कि आपने उससे लोन लिया था या फिर नहीं। अगर नहीं लिया है डायरेक्टली ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दो और लिया था रीपेमेंट नहीं किया था तो आप रीपेमेंट कर सकते हो। अगर गलती से उस लिंक पर क्लिक कर दी हो तो यहाँ पर एक वीडियो शो होगा, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें बताया गया स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा अपने फ़ोन में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना उसकी जानकारी को आप मुझ तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आई डी और जी मेल आई डी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, यहाँ पर हमेशा आपको अवेयरनेस से जुड़ा वीडियोस देखने को मिलेगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवेयर रहने के लिए ऐसे स्कैम से। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में, थैंक यू सो मच।